कि पिछले 4 महीने से जो लोग ये हल्ला मचा रहे थे कि मोदी बड़ा कमजोर हो गया और मैं बड़ा रावण हो गया, रावण के बराबर मेरी ताकत हो गई, उन रावणों की वजह से आज इन लोगों की हिम्मत बढ़ी है और ये रावण जो है ये आज भी बाज नहीं आ रहे उनके उन पत्थरबाजों के खिलाफ। उसने कतई एक शब्द नहीं बोला अखिलेश यादव ने कि वो जो दुर्गा प्रतिमा पर पत्थरबाज करने वाले थे उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि वो मुसलमान है तो मुसलमानों के खिलाफ भी कैसे बोल देता। कि वहां पर एक हत्या हुई है रामगोपाल मिश्रा की, वो घर से घसीट कर ले गए और नाखून तक उखाड़ लिए हैं, जैसा बता रहे हैं चर्चा है कि उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि उसको 24 गोली मारी है, उनकी माँ बता रही है। लेकिन उस नृशंस हत्या पे, उस राक्षसी हत्या पे आपने पूरा सुना उसका बयान, अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला कि ऐसा कुछ कहीं हुआ भी है, कोई हत्या भी हुई है। सर एक खेल तो और नग्न हो गया पूरा, एक सेकुलर सो कॉल्ड फ्रॉड सेकुलर मीडिया और यहाँ का एक सेकुलर गैंग। बहराइच के मामले में जिस तरह से कल तक नग्न नाच किया गया शुरुआत में, उसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसको छुपाने की एक बड़ी साजिश की गई, और पूरा ऐसा लगता है कि ये देश, इस देश के अंदर दुर्गा विसर्जन करना, रामनवमी, रामलीला करना, ये सब एक नया नैरेटिव कि मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम इलाका इस देश में, यदि मतलब मुस्लिम इलाके में आप अपनी कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, उस रास्ते से आप दुर्गा विसर्जन नहीं कर सकते। ये बांग्लादेश की कहानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच और बंगाल में तो सोची जगह ऐसी घटनाएं हुई ही है। मनीष जी 3 वीडियो डाले हैं, जरा एक एक करके हम लोग दिखाते जाएं, बात करते जाएं, उसके बाद चीजें समझ में आ जाएगी। पहले 1 मिनट का वीडियो है, जरा सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी का वीडियो है, उसके बाद के दोनों आपकी समझ में आ जाएगा कि वो क्या है मामला। नहीं नहीं इसके नीचे है मनीष जी की, वहां सुधांशु त्रिवेदी की बात को जरा ध्यान से सुनिए, केवल 1 मिनट का मामला है। देखिए इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए, ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीनों से कुछ ताकत बढ़ गई है, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी, ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही हैं? कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकें। ये तो लगातार जो हम लोग कह रहे थे सुधांशु, करीब करीब वही कह रहे हैं, तो बहुत पूरी तरह से करके साफ कर दिया सुधांशु जी ने। हाँ मनीष जी, ये सबसे खास मुद्दा है कि ये जो जिस पर, फिर मैं कहूंगा कि इस पर ये न्यूज चैनल बात नहीं कर रहे, इस पर कोई दूर दूर तक इस पर बात नहीं कर रहे कि ये पिछले 4-5 महीनों के अंदर ही ये ताबड़तोड़ घटनाएं क्यों घटी हैं। चाहे वो रेल पलटाने की कोशिश हो, वो जो उन्होंने बताया कि ईमेल धर के देश में अफरा तफरी फैलाने की बात हो, या अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले जो कहा था कि पूरे देश के अंदर, दक्षिण में हैदराबाद, पूर्व में बंगाल, उत्तर में यहाँ आ जाइए यूपी के अंदर कई जिलों में घूमे, ये इस तरह की दुर्घटना हुई है, तो ये कोई सहयोग नहीं है, ये सोचा समझा बड़ा सुनियोजित प्रयोग है। क्योंकि इनको लगता है कि अब हम बड़े मजबूत हो गए, वो गलत फहमी में घूम रहे हैं। तो वो जो प्रधान सुधांशु त्रिवेदी ने अभी आपको बात संकेतों में कही, वो बिल्कुल स्पष्ट है, संकेत नहीं पूरी स्पष्ट है कि पिछले 4 महीने से जो लोग ये हल्ला मचा रहे थे कि मोदी बड़ा कमजोर हो गया और मैं बड़ा रावण हो गया, रावण के बराबर मेरी ताकत हो गई, उन रावणों की वजह से आज इन लोगों की हिम्मत बढ़ी है और ये रावण जो है ये आज भी बाज नहीं आ रहे। अब जरा मनीष जी दिखा दीजिए कि आज जरा अखिलेश यादव की बातें सुनिए, आपको शर्म आएगी। ये आदमी उत्तर प्रदेश का नेता रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है ये आदमी, और शर्म इस बात पर किस आदमी को वोट कौन देते हैं, खास करके उस यदुवंशियों समाज में। अखिलेश किस बात को एक बार जरूर सुन के इसको लेकर के, सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो जो पक्ष उसमें है
सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है, प्रशासन शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं, सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। अब जरा मनीष जी सुनिए इस आदमी का बयान, दर्शकों ने सुन लिया, अब जरा इसका पोस्टमार्टम आप सुनिए। ये आदमी पहले तो घंटों को कल से कुछ नहीं बोला, जैसे कि बहराइच में कुछ हो ही नहीं रहा है, और जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद जब ये मैदान में उतरा तो ये कह क्या रहा है। इसने वहां पर ये सवाल नहीं पूछा कि वहां पर दुर्गा प्रतिमा पे जो पत्थरबाजी हो रही थी और उत्तर प्रदेश में 3-4 जगहों पर हुई, तो वो पत्थरबाजी करने वाले कौन थे, उनको पकड़कर उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करे सरकार, कठोर कार्रवाई करे उनके उन पत्थरबाजों के खिलाफ। वो उसने कतई एक शब्द नहीं बोला अखिलेश यादव ने कि वो जो दुर्गा प्रतिमा पर पत्थरबाज करने वाले थे उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि वो मुसलमान है तो मुसलमानों के खिलाफ भी कैसे बोल देता। तो इसने उस पूरे प्रकरण को पी ही गया। केवल बहराइच नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 जिलों में ये घटनाएं हुई, लखनऊ के अंदर, लेकिन ये आदमी एक शब्द उस पर नहीं बोला। और उसके अलावा मनीष जी जरा गौर करिए कि वहां पर एक हत्या हुई है रामगोपाल मिश्रा की, वो घर से घसीट कर ले गए और नाखून तक उखाड़ लिए हैं, जैसा बता रहे चर्चा है कि उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि उसको 24 गोली मारी है। उनकी माँ बता रही है कि 24 गोली मारी है और उसका कांटा जो बोलते हैं हम लोग के भाषा में, अब कांटा जो जिससे मांस आस काटा जाता है उससे उसके खोपड़ी पे सीने पे पेट में दुनिया भर के प्रहार किए हैं। और बाद में इससे भी उन जल्लादों को जो समझ में नहीं आई तो एक तरह से उसके आंखों नाखून उस प्लास से नोच लिए गए। लेकिन उस नृशंस हत्या पे, उस राक्षसी हत्या पे आपने पूरा सुना उसका बयान, अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला कि ऐसा कुछ कहीं हुआ भी है, कोई हत्या भी हुई है। उसके बजाय जब ये आया रोना रोने, तो किस बात पर रोना रो रहा है आदमी, कि वहां पे जो माइक बज रहा था उसमें कोई गाने तो गलत नहीं बज रहे थे, और गाने अगर गलत बज रहे थे तो किसी का अपमान तो नहीं हो रहा था, किसी की भावनाएं तो नहीं आहत हो रही थी। तो इतनी नंग नाच के बाद, इतना हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के बाद इसने ये जो आया, तो ये उन दंगाइयों की, उन बलवाइयों के, उनके पक्ष में उनके लिए छाती पीटने आया, उनके लिए माथा पीटने आया। तो मुझको फिर वही याद आ गया कि मोदी जी जिस तरह से वो सुल्तानपुर डकैती में वो जो डकैत मंगेश यादव मारा गया था, तो ये मंगेश यादव इसको याद आ रहा था, बाकी ये किसी को याद नहीं आया यही, और आज तक ये तड़प रहा है मंगेश यादव के लिए। आज इससे एक नया आइटम आज इसको मिल गया कि आज से दंगाइयों के लिए तड़पना शुरू करेगा। अब देखिए कितने दिन तक चलता है जब तक कुछ नया नहीं होता। और वो ये आज इसने अपना जब ये चेहरा दिखाया है तो इसने नहीं दिखाया मोदी जी, मैं बता दूं यहाँ कांग्रेस के नेता या दिल्ली तक राहुल गांधी वो भी ट्वीट कर रहा है, वो प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर रही है, यहाँ अजय राय तड़प रहा है। तो ये सब नेता जितने सेकुलरिज्म के ठेकेदार नेता थे वो आज बहराइच की घटना के बाद उनका ये दोहरा दोगला चरित्र और एकतरफा रवैया, हिंदू विरोधी रवैया, वो पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। और ये सारा सेकुलर नेता जितने सेकुलरिज्म के ठेकेदार थे ये नंगे हो गए। लेकिन केवल इतने भी बात नहीं है मनीष जी, ये किस तरह से झूठ बचलते हैं और किस तरह से इनको बहाना चाहिए हिंदुओं के खिलाफ और मुसलमानों के पक्ष में नाचने के लिए। जरा आप तीसरा ट्वीट दिखा दीजिए कि वो खबर कितनी एक तरफा है, उसको भी दंगा, उसको वो मुकदमा चलना चाहिए। और मेरे तो विशेष अनुरोध है कि जो मुख्यमंत्री योगी है इस क्लिप पटुए को भी ठीक करें। बिल्कुल, इस क्लिप पटुआ को, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मुख्य दंगा भड़काने के लिए तो FIR इसी पे ऑलरेडी एक तो है ही इसके ऊपर, इसमें तो तत्काल इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हम लोगों को यूपी पुलिस से आग्रह होगा कि इस वीडियो के बाद इसे
शेयर करने के लिए तत्काल इसको इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। तो ये देखिए इसी मोहम्मद जुबैर के इसी वीडियो पर पूरा प्रपंच हुआ है। आप वीडियो दिखाइए बजरा, तब तक पढ़ देता हूँ अपना जो मैंने इसको इसके इसके ट्वीट को लेकर ट्वीट किया है कि ये डिजिटल दंगाई जूबियर एक बार फिर आधी अधूरी खबर फैलाकर बहराइच में दंगा फैलाने का कारण बना है। माई योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस और बहराइच पुलिस इस पर कठोर कार्रवाई करिए। इस डिजिटल दंगाई ने यह नहीं बताया कि अब विसर्जन के दौरान इस डिजिटल दंगाई ने यह नहीं बताया कि जब विसर्जन के दौरान उसी घर में अकारण माँ दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किया गया, उसी घर से जब चरमपंथियों ने माँ दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया, उसी घर से जब माँ भक्तों पर कातिलाना हमला हुआ, तब रामगोपाल मिश्र भी उस घर की छत पर चढ़ा था। इसके बाद उसी घर में रखे हथियारों से हुई फायरिंग से रामगोपाल मिश्र को कई गोलियां मारी गई। एक तरफा वीडियो बनाकर यह डिजिटल दंगाई हत्यारों को बचा नहीं पाएगा। माई योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है कि दंगाइयों के साथ ही साथ इस हिस्ट्री सीटर डिजिटल दंगाई के विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई होगी कि इसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये मैंने ट्वीट पे लिखा है और साथ में इसको जानबूझ कर इसको टैग किया है इसी के ट्वीट को कि जरा इसमें मनीष जी ये जो नौजवान दिख रहा है आपको वही मनीष जी उसी वीडियो में कि वही व्यक्ति जो है यही इसी की हत्या की गई है। रामगोपाल मिश्रा नाम जो है इसकी हत्या की गई है। लेकिन ये जो इसको झंडा नोचते हुए सब दिखा रहे हैं, जितना मुसलमान ट्विटर पे सक्रिय है वो सब इस वीडियो को ऐसे दिखा रहा है कि जैसे इसने कोई बड़ा महापाप कर दिया था कि ये झंडा उखाड़ दिया इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। तो पहली बार पहले जरा मूल प्रश्न पे आ जाते हैं मनीष जी कि क्या किसी का झंडा नोच लेना क्या किसी की हत्या का कारण हो सकता है? अगर मान लीजिए उसने झंडा नोचा था, लेकिन ये झंडा ऐसे ही नहीं नोचा गया था। जो आदमी दुर्गा प्रतिमा लेकर विसर्जन के लिए जा रहा हो उसको पागल कुत्ते ने काटा कि वो विसर्जन छोड़कर कूद के छत पर चढ़ जाएगा? नहीं, ये जब वो प्रतिमा वहां से निकल रही थी तो इसी छत के ऊपर से गुंडे पथराव शुरू किया गुंडों ने, तब वो आदमी भाग कर जब छत पर पहुंचा उसने झंडा इनका नोच के फेंका। ये हरा झंडा लगाकर इस्लामी झंडा लगाकर ये दुर्गा प्रतिमा पे गुंडे पथराव कर रहे थे और ये इन्हीं की दुकान थी जो अभी जिन्होंने हत्या की इसकी। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये अकेला है तो अकेले घसीट कर ले गए कमरे में और 24 गोली यानी माँ जो बोल रही है उस रामगोपाल मिश्रा की कि 24 गोली मारी, उसके अलावा चाकू मारे, काटा बल्लम मारा यानी नृशंसता पूर्वक टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसको हम लोग अभी दिखाएंगे नहीं कि जिस समय उसकी लाश लेकर नीचे आ रहे थे कुछ लोग उस समय भी ये गोली चला रहे थे। वो वीडियो में आ गए जो गोली चला रहा जो पत्थर चला रहा वो सुदर्शन चैनल उसको संभवतः दिखा रहा है उसी के टैग के साथ वो चल रहा है, लेकिन वो हम लोग उसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप समझिए कि इतनी नृशंसता के साथ जिसकी चर्चा पूरे यूपी में है कायदे से पूरे देश में है, लेकिन उसके ऊपर ना इंडी गैंग का कोई नेता नहीं बोल रहा, ना अखिलेश यादव बोल रहा, ना राहुल गांधी बोल रहा, ना प्रियंका गांधी बोल रही, ना उनका पिछलग्गू अजय राय बोल रहा, ना तेजस्वी यादव बोल रहा। लेकिन हाँ, वो दुर्गा पूजा प्रतिमा के जुलूस में कोई ऐसा गाना तो नहीं बज रहा था जिससे मुसलमानों को बड़ा बुरा लग गया हो या कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे मुसलमान बड़े आहत हो गए हो। तो अगर वो आहत हो गए तो उनके द्वारा की गई हत्या को भी आदमी जायज मानता है, अन्यथा ये हत्या के खिलाफ तो बोलता कि एक हिंदू की हत्या हुई है और जो दोषी हत्यारे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, एक शब्द नहीं बोला अखिलेश यादव। तो ये है सेकुलरिज्म, ये है सेकुलरिज्म का नंगा चेहरा जो आपको आज दिखाया है और इन्होंने खुलकर दिखाया है। मगर बहराइच ने इन सारे सेकुलर नेताओं के सारे कपड़े फाड़ दिए हैं, उसके बाद भी अगर आप ना देखना चाहो तो फिर ये आप अपने अपना जो है आने वाला समय अपना खुद आप तय कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहराइच की घटना पर अखिलेश के रिएक्शन के एक एक उन सबको सुनना चाहिए जो इनको वोट देते हैं। जो भी जो कहते ना कि विधर्मियों को छोड़ करके जो भी अखिलेश यादव को वोट करता है, इससे तो मुझे लगता है ममता बनर्जी समेत सबको बहुत पीछे छोड़ दिया वोट बैंक की घृणित राज। आपको क्या लग रहा है कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें ये पूरा गैंग मनीष जी ऐसा है? आप अभी हम लोगों ने परसों जिक्र किया था कि देखिए वो ममता बनर्जी जो बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होने दे रहे मुसलमान, वहां पर उन्होंने पंडाल उजाड़ दिया अलीराजपुर की जो खबर हम लोगों ने दिखाई थी, उसके बावजूद ममता बनर्जी ने एक शब्द नहीं बोला है उनके खिलाफ। जरा सोचिए ये किस कीमत पर सत्ता पाते हैं, किस कीमत पर सत्ता लेना चाहते हैं और उसके लिए हिंदुत्व का नाश हो जाए, हिंदुओं का नाश हो जाए, हिंदुओं की हत्याएं हो जाए,
इनको कोई असर नहीं पड़ना, इनके इनके कोई फर्क नहीं पड़ना, ये क्या करेंगे या मैं बोलूंगा नहीं, या आप आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल, इस घटना ने पूरी तरह से हिला कर रख दिया। और देखिए और अखिलेश यादव कितनी बेशर्मी से आया, मनीष जी जरा अब इसको जरा पुराना पाप याद दिला दूं कि जिस समय मुजफ्फरपुर का दंगा हुआ था, मनीष जी मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ था तो उस समय सैफई में नाच गाना चल रहा था, और वो भी अखबार में जो आया था कि 300 करोड़ रुपए में नाच गाना हो गया, 300 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए थे, और उसमें जो है दो हिंदू जाट, जैसे ये रामगोपाल मिश्रा मारा गया है वैसे दो हिंदू जाट मारे गए थे, बच्चे थे वो 17 17 18 18 साल के, और उनके हत्यारों को आजम खान के इशारे पर छोड़ा गया था, उसके बाद फिर दंगा भड़का। तो ये 2013 में भी वही कर रही थी समाजवादी पार्टी, ये 2024 में भी कर रही है, इनको कोई सबक नहीं मिला। और क्यों सबक नहीं मिला है, वो अभी सुधांशु त्रिवेदी का जो वीडियो सुनवाया तो वो उन्होंने कहा कि ये केवल इतना है कि इनको थोड़ी ताकत मिल गई है, इनके थोड़े लोग जीत गए हैं, तो ये इस तरह का नंगनाच शुरू हो गया है यूपी के अंदर, तो सोच लीजिए कि जिस हाथ में सत्ता आएगी तब ये क्या हाल करेंगे। बिल्कुल, ये इंडिकेशन साफ साफ यही दे रहा था कि मोदी कमजोर हो गया और इसीलिए नग्न नाच है, सामने उपचुनाव है और इसीलिए प्रवोक कर रहे हैं विधर्मियों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम किसी भी स्तर तक जाओ। तब याद कीजिएगा अखिलेश के उस दौर को जब इन विधर्मियों के खिलाफ FIR ना हो, ये अघोषित आदेश था एक तरह से। नहीं, यहाँ तो योगी आदित्यनाथ पूरी निगाह रखे हुए हैं, पूरा एक तरह से उनका प्रशासन वहां लगा हुआ है। मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ था मनीष जी, तो वो सैफई का नाच गाना रुका नहीं था, सैफई का नाच गाना जो का त्यों चलता रहा था, वहां जो हुआ वो पूरा आज तक लोग याद करते हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था सैफई का नाच गाना रुक जाए, और आज ये आदमी आकर ज्ञान दे रहा है मुख्यमंत्री योगी को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।